नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। और बिफोर वी बिगिन, आई वुड से द मैन हु मूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। इसी कॉन्टेक्स्ट में हिंदी में कुछ लाइनें याद आती हैं दोस्तों। यूं ही नहीं मिलती मंजिल यारो, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना ये आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है हर बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट एम्स टू इशू 10 लाख आयुष्मान कार्ड्स अ डे मांडवीय। ये अवेलेबल है पेज नंबर 2 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 हेल्थ सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट आयुष्मान भारत PMJAY एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इनके अचीवमेंट्स क्या रही और फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं गवर्नमेंट के इनके कंटेक्स्ट में। तो ये न्यूज में क्यों है भी, क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 2-day लॉन्ग आरोग्य मंथन 2022 टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड 1 year ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। दोनों को ही हमारी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज व्हाट लोअर रेन इन दिल्ली दिस ईयर हैज मेंट फॉर ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसेल फ्लाइज। ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ रीसेंट सर्वेस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसेल फ्लाइज। A survey of dragonflies and damselflies at Delhi's biodiversity parks indicates that low rainfall this year may have impacted their life cycles and numbers. अगर हम dragonflies की relevance क्या है? Dragonflies serve as a biological control for mosquitoes and they are also an indicator of water quality in wetlands and water bodies since polluted water is detrimental to them, right? Our next important headline is conduct social audit of midday meal scheme by November 30 center. ये available page number 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 वेलफेयर स्कीम सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मिड डे मील स्कीम, इंपैक्ट ऑफ द स्कीम, इश्यूज एसोसिएटेड विद द स्कीम एंड वे अहेड। तो मिड डे मील स्कीम को हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि सेंटर हैज डायरेक्टेड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू कैरी आउट सोशल ऑडिट ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय नवंबर 30, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज An unnatural quit. ये available है page number 12 पे और ये related है paper 2 Polity and Governance. In this article, we have to know about right to protest in India. What is the Criminal Procedure Act 2022 significance and what are the issues with the law and way ahead. तो इन सारे points को हमारी website पे बहुत अच्छे से cover किया गया है, link available करा दिया गया है description में। Apart from that, आप यहाँ से भी go through कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से explain किया गया है, right? Our next important headline is a recipe for reform. ये available page number 13 पे और ये related है paper 2 governance section से और paper 3 internal security से भी related है। In this article, we have to know about history of policing in India, need for reforms, issues with the present police system, commissions on police reforms and way ahead. तो ये भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, राइट। कुछ अच्छे पॉइंट्स इसमें भी गिवन है, राइट। Our next important headline is rupee will bounce back strongly. ये available page number 13 पे और ये related है paper 3 economy section से। In this article we have to know why has the Indian currency weakened, its repercussions and ways to handle it. तो बहुत अच्छे से explain किया गया है। अगर हम overview देखें तो यहाँ पे ये highlight किया गया है, Indian currency has weakened because of dollar has strengthened, not because economic fundamentals has worsened, right? Our next important headline is Access scrappers handmade tiles latest finds in Tamil Nadu excavation. ये available page number 14 पे और ये related है paper 1 history section से। In this article we have to know recent artifacts found by archaeological survey of India. तो अभी क्या पाया गया है? संगम एज artifacts were discovered during the excavation. ठीक? बाकी other points यहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा, right? Our next important headline is star rating for packaged food. Why and how it might work. ये available page number 16 पे और ये related है paper 2 health section से। In this article we have to know about Indian nutrition rating, objectives and need. तो इसको हमारी website पे अभी recently cover किया गया था, link आप जानते हैं कहाँ मिलेगा। Our next important headline is limits of free monetary policy. ये available page number 16 पे और ये related है paper 3 economy section से। In this article we have to know about the causes of effects of the rise in inflation rate, what is inflation targeting, issues, steps taken and what more needs to be done in this context, right? तो अगर हम overview देखें, in 2016 India adopted inflation targeting as a policy goal enshrined in the law. It also embraced the idea of central bank independence with accountability. Under the new law, the central government would, in consultation with the Reserve Bank of India, set an inflation target based on consumer price index once every 5 years, right? And RBI was entrusted with the responsibility of meeting this target, for which it would be given independence in the conduct of monetary policy. Abhi kya issue aa rahe hain? RBI is struggling to be accountable, at the same time having to increasingly depend on the government for fulfilling its mandate, right? Our next important headline is why WADA continues to put cannabis in banned drugs list.
ये अवेलेबल पेज नंबर 19 पे और ये रिलेटेड पेपर टू हेल्थ सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट कैनबीज एंड व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ कैनबीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा यहाँ भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।